नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है हमारा डू वाइल लूप का. अब अभी तक हम लोगों ने दो लूप्स का कंप्लीट एग्जांपल भी देख लिए हैं, डिस्कशन भी कर लिया है फॉर एंड वाइल का. अब फॉर और वाइल के केस में हमारे पास में डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का डिफरेंस है, लेकिन जो कॉमन चीज है वो ये है कि दोनों प्री टेस्टेड टाइप के लूप्स है. मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा. लास्ट जो हमारे पास में लूप है दैट इज डू वाइल लूप, ये इनडिटर्मिनेट होने के साथ साथ हमारे पास में पोस्ट टेस्टेड टाइप का लूप भी होता है. इनडिटर्मिनेट यानी कि हमें नहीं पता कितनी बारी हमें लूप चलाना है, कितनी बारी हमको ट्रेवर्सिंग करवानी है. और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है दैट इज पोस्ट टेस्टेड. पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है. अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स उसके अकॉर्डिंग काम होता है. तो एक बारी चाहे आपने कुछ भी वैल्यू रखी हो, चाहे किसी भी तरीके का आपने इनपुट दिया हो, एक बारी तो हमारा लूप चलेगा ही चलेगा. उसके बाद वैल्यू उस पर जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवाए हैं, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोगों ने करवाया है, उसके बाद वैल्यू में क्या चेंज हुआ है, फिर वो कंडीशन चेक होती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है. अब यहाँ पे जब हमारे पास में ऑलरेडी दो लूप अवेलेबल हैं जो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो डू वाइल को क्यों काम में लेना और कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट आती है? तो देखिए, डू वाइल को वैसे तो बहुत कम हम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो है हमारा वो वाइल या फॉर से हो जाता है. लेकिन मान लीजिए जैसे मैं कुछ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ, मैंने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको क्रिएट करना बताया था स्विच के साथ में. तो अब यहाँ पे यूजर मान लीजिए अगर एग्जिट भी कर देता है तो भी मुझे यहाँ पे काम तो करवाना ही है ना. मतलब उसे मेन्यू तो डिस्प्ले करवाना ही है, वो काम करवा रहा है, तो उसकी इच्छा अगर वो कोई इनपुट नहीं देता है तो वो उसके ठीक है, ठीक, वो उसको चॉइस दिया है, उसके पास में ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का. लेकिन एक बार ये तो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे ही, तो एक बार ये जो हमें काम करवाना है उसके लिए हम काम में लेते हैं डू वाइल लूप. अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनपुट यूजर हैव प्रोवाइडेड, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा काम होता है. तो एक बार ही काम करवाने करवाना है, बाद में हो नहीं हो दैट इज अ डिफरेंट केस. तो वहां पे हम डू वाइल लूप को काम में लेते हैं. अब यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर टू लूप. सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज डिस्प्ले द सीरीज फ्रॉम 1 to 10. अब ये प्रोग्राम कॉमन है, तीनों लूप के साथ में हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो वही मैंने यहाँ पे भी कंसिडर किया है. इसका आगे हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन स्टार्ट किया है और मेन के बाद यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन कर लिया है. डू और वाइल के केस में हमें इनिशियलाइजेशन पहले करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट्स को लिखना पड़ता है. तो int i इज इक्वल्स टू 1 फॉलोड बाय clrstr. उसके बाद हमारा डू कीवर्ड आता है और डू के बाद हमें स्टार्ट करना पड़ता है हमारा कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कर्ली ब्रेस. अब यहाँ पे आते हैं हमारे लूप के स्टेटमेंट्स जो भी हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने हैं. तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है printf %d/n, i. तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. फिर i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2. तो अब यहाँ पे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से i की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर से i की वैल्यू की प्रिंट होगी. लेकिन कब तक प्रिंट होएगा हमें ये पता ही नहीं है. लेकिन अगर कभी भी कुछ भी कंडीशन मेंशन ही नहीं करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा. तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे डू के साथ में हमें कंडीशन कैसे प्रोवाइड करनी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेस को क्लोज करना है और कर्ली ब्रेस के जस्ट बाद कंटिन्यूएशन में ही हमें यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखनी होती है, जो भी कंडीशन हमें चेक करवानी है जिसके बेसिस पे हमारा लूप चलेगा. क्योंकि कितनी बार चलाना है या सपोजली नंबर डिपेंडेंट अगर कुछ प्रोग्राम है, मान लीजिए मैंने आपको डू वाइल से कहा है कि काउंट ऑफ डिजिट्स निकालो, तो यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है हमें पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो एंडिंग पार्ट हमें देना पड़ेगा ना, वरना इनफाइनाइट चलेगा. तो यहाँ पे वाइल के साथ में मैंने लिखा है आई इज लेस देन इक्वल टू 10. तो अब यहाँ पे जब तक इस आई के वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यूसली ये हमारा लूप चलता रहेगा. लेकिन पहले तो यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हुई, पहले तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, डू का मतलब क्या है कि कुछ काम करवाना है, डू दिस डू दैट एंड डू दैट ऑल्सो, कुछ काम करवाना है. क्या काम करवाना है, यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट करवाना है और आई के अंदर इंक्रीमेंट करना है. तो आई के वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, इनिशियल वैल्यू क्या है आई के अंदर, 1, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके 2 हो गई हमारी, ठीक है. ये
आई वन जो है हमारी स्क्रीन पे एज आउटपुट के तौर पे आ जाएगा, फिर टू इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे फिर उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या 2 10 से छोटा है? हाँ ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो फिर से अब हमारा लूप चलेगा कंडीशन के ट्रू होने पर। लेकिन पहली बार किसी भी तरीके की कुछ भी चेकिंग नहीं हुई है, पहली बार तो बस हमने काम करवाया है। तो किसी भी तरीके के मेन्यूज वगैरह अगर हमें डिस्प्ले करवाने होते हैं तो हम डू के अंदर उन मेन्यूज को स्पेसिफाई करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन यूजर ने क्या इनपुट किया है, आप कंडीशन चेक करवाओ और फिर आगे की वर्किंग एग्जीक्यूट करवाओ, अगर नहीं है तो फिर एग्जिट कर जाओ। तो वहां पे इन डू वाइल को काम में लिया जाता है। तो अभी इस प्रोग्राम में टू ऑब्वियसली लेस देन इक्वल्स टू है 10 से, कंडीशन हमारी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है तो आई की वैल्यू बन गई 3। अब 3 ऑब्वियसली फिर से 10 से छोटा है तो फिर से हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि 3 प्रिंट होगा और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि इट बिकम्स 4। एंड 4 जो है वो ऑब्वियसली फिर से 10 से छोटा है तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से आ जाएंगे हम यहाँ पे डू के अंदर और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ये काम चलता रहेगा तब तक जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते। अब यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट हो गई, इंक्रीमेंट होके हमारी वैल्यू हो गई 11। 11 ना 10 से छोटा है ना ही उसके बराबर है, तो उस पॉइंट पे आके हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे इस लूप के लिखे हुए जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पे, यानी कि गेट सी एच पे, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये तो है पहला केस जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। फर्दर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दी आई की इनिशियल वैल्यू 11, ठीक है। अब यहाँ पे किसी तरह की कोई कंडीशन तो है नहीं, हमें बोला गया है काम करने के लिए। क्या काम करना है? जो आपने आई वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो गई और आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया और वो बन गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 12 10 से छोटा है या उसके बराबर है? नहीं, 12 ना छोटा होता है ना बराबर होता है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन के फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट दोबारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम आ जाएंगे डायरेक्टली इस गेट सी एच पे। तो यहाँ पे चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एक बारी तो हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं वो काम करेंगे ही करेंगे। तो उस केस में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि एक बारी तो आप काम करवाओ, उसके बाद में देखेंगे कि क्या होगा, देन वी यूज डू वाइल लूप। तो कुछ इस तरीके से डू वाइल जो है वो काम करता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नाउ डू वाइल के बाद यहाँ पे एक और चीज है जो फॉर से रिलेटेड हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज स्किपिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लूप। अब यहाँ पे लूप की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर तीनों पार्ट्स को स्किप करें तो हमारे पास में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर इनिशियल वैल्यू नहीं होगी तो कहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे, कहाँ से लूप स्टार्ट होगा हमारा? अगर कंडीशन को स्किप कर देंगे तो हमारा लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा। सेम गोज फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, अगर हमने उसको स्किप कर दिया मतलब नहीं लिखा तो वैल्यू में कभी चेंज नहीं होगा और वैल्यू फिक्स रहेगी और चीजें गड़बड़ होती रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके के पार्ट को स्किप करते हैं तो उसे हमें किसी दूसरी जगह मेंशन करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, उसी का ही पार्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये फॉर के साथ तो काम करेगा लेकिन वाइल के साथ में चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, तो वाइल के साथ में कभी भी हम बहुत ज्यादा चीजों को स्किप नहीं कर सकते। फॉर के केस में ये सारी चीजें अलाउड होती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ, दैट इज दी इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर हम फॉर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहीं पे ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करें। जहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है हम वहां पे भी उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जब इनिशियलाइजेशन हो चुका है तो दोबारा से उसे यहाँ पे मेंशन करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को नहीं लिखा है तो ये कहलाता है स्किपिंग द इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है आई नेम का, जिसमें मैंने इनिशियल वैल्यू 1 असाइन कर दी है, फॉलोड बाय CLR SCR।
उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखना होता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया तो दो बारे क्यों लिखू, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दे, स्किप करके सेमी कोलन लिख दिया। सेमी कोलन के बाद अब एंडिंग कंडीशन तो देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा। फिर से सेमी कोलन एंड फॉलोड बाय द अपडेशन पार्ट, दैट इज द इंक्रीमेंट पार्ट। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का हमारा लूप चलेगा और 1 by 1 वैल्यूज इंक्रीमेंट होती रहेंगी और 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज हमारे पास में प्रिंट हो जाएंगी टैब से सेपरेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आएगा, 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज टैब से सेपरेटेड। तो अगर आप इनिशियलाइजेशन पार्ट को स्किप करते हो तो पहले कहीं ना कहीं किसी भी जगह उसको पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, चाहे तो डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन कर दो या फिर सीएलआर एससीआर के बाद में भी हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कहीं पे भी करें, बस लूप के अंदर हमने उसको स्किप कर दिया है। सो दैट इज नोन एज स्किपिंग द इनिशियलाइजेशन पार्ट। अब किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन? पार्ट पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज skipping the initialization as well as increment part of the loop, ठीक है? तो अब यहाँ पे initialization को अगर हम skip करते हैं तो पहले हमें कहीं ना कहीं initialize करना पड़ता है, ये हमने पहले वाले example में देख लिया। तो मैंने यहाँ पे i को 1 से initialize कर दिया, सेम ही प्रोग्राम चल रहा है, अब यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगी, 11 नहीं चाहिए तो मैंने फिर से उसके अंदर नई वैल्यू असाइन कर दी, I is equals to 1. तो फिर से I के वैल्यू के अंदर कुछ मतलब कुछ नया वैल्यू आ गया, 1 आ गया स्टार्टिंग वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने जो फॉर का स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन मुझे करवाना नहीं है तो सिंपली सेमीकोलन लिख दिया। I is less than equal to 10 मैंने मेंशन कर दिया है, फॉलोड बाय अगेन सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने अपडेशन वाले पार्ट को स्किप कर दिया है। तो ना यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है और ना ही यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, लेकिन अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और 1 हमेशा 10 से छोटा ही होता है चाहे हम कुछ भी कर ले, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइट स्टेट के अंदर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो अपडेशन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ के बजाय लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे लूप चलेगा 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे, यानी कि आई की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक टैब का स्पेस आ जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 less than 10, कंडीशन ट्रू, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा और एक टैब स्पेस प्रिंट हो जाएगी, फिर से इंक्रीमेंट, then 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। जिस मोमेंट पे आके ये 11 हो जाएगा, 11 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे इस लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे। तो अगर हम चाहें तो इनिशियलाइजेशन को स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इनिशियलाइजेशन को हम यहाँ पे लिख दे और इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट को स्किप कर दे। तो अब दोनों पार्ट को हमने स्किप कर दिया है, तीसरे पार्ट को कैसे स्किप करते हैं और कैसे उसको काम में लेते हैं वो हमारा आज नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास का टाइम हमारा हो गया है, मैम आने वाली होंगी। इस वाले पार्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, कंडीशन को कैसे स्किप करके कैसे मेंशन करना है वो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी ये प्रोग्राम हमारा ओवर नहीं हुआ है, ठीक है? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में, देन प्लीज डू आस्क।